हेलो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उपसर्ग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। उपसर्ग तो आप सभी जानते हैं, शब्दों की जो बनावट के आधार पर शब्द के भेद थे उसमें आपने पढ़ा था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यौगिक शब्द जो हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है, एक उपसर्ग से, एक समास से और एक प्रत्यय से। तो उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने हो तो हम उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे या प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं या विकार उत्पन्न कर देते हैं, तीनों बल लिख सकता है वो, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्र आ आदि अनु, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता लेकिन किसी के आगे लगकर ये उसका अर्थ बदल देते हैं। मूल शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से नया शब्द बनता है। एक इसकी खासियत यह है कि ये मूल शब्द के आगे लगेंगे तो नया शब्द बनेगा। दूसरा, मूल शब्द के जो अर्थ में बदलाव आ जाएगा, कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर कुछ विशेष तो हो ही जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते क्योंकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के हैं? चार, एक संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के, तीसरा आगत व विदेशी उपसर्ग, चौथा है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय जैसे आलम। विदेशी उपसर्ग होते हैं जैसे उर्दू, फारसी। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। जो संस्कृत से उपसर्ग बने हैं उसे तत्सम भी कहेंगे। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग शब्द जैसे हो गया अवहीन, अवगुण, अवनति, ये संस्कृत के हैं। दूर से दुशासन, बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्दशा, ये दूर से बनाए मैंने। नीर से, नीर का अर्थ होता है बिना, निरपराध, निर्जन, ठीक है। अव का मतलब होता है हीन, तो अवगुण, अवनति। दुर का मतलब बुरा या कठिन भी कह सकते हैं, तो दुर्जन, दुर्दशा। हिंदी के उपसर्गों का नाम क्या होता है? तद्भव उपसर्ग। इसका प्रयोग हिंदी में होता है जैसे कु, कु का अर्थ क्या हो गया? बुरा। और शब्द क्या बना? कुचाल, कुमाता। एक तरफ है उपसर्ग है, फिर उसका अर्थ है, फिर उससे शब्द बना है। उन, उन मीन्स एक कम, उनतीस, उनसठ, एक कम साठ, उनसठ। अध, अध मीन्स आधा, अध पका, अध मरा, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। कुछ शब्दों की रचना एक से अधिक उपसर्गों से भी हुई है, जैसे कि एक से अधिक उपसर्ग लग जाते हैं। आ प्रभाव, आ प्लस प्रा प्लस भाव, ठीक है। एक से ज़्यादा उपसर्ग भी लग सकते हैं। आ प्रभाव, मैं लिखना भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ, आ प्रभाव। अभी क्वेश्चन कुछ मैंने दिए, आप सॉल्व कीजिए। नीचे गए शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। आजीवन, उपसर्ग क्या है? आ, मूल शब्द क्या है? जीवन। उपदेश, उपसर्ग उप, क्योंकि मैंने क्या कहा उपसर्ग आगे लगते हैं। देश, भर, उपसर्ग है पेट, मूल शब्द है। बेवकूफ, हेडमास्टर, हेड उपसर्ग है, मास्टर इसका क्या है? मूल शब्द है, मैंने उत्तर नीचे दे रखे हैं। सेकंड है, इसमें भी उपसर्ग उसके सामने लिखने हैं, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि। हम सफर में हम, दुष्कर्म में दुष, बदनाम में बद, उनतीस में उन, अत्याचार में अति, सुविख्यात में सु। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, आगे मैंने दे रखा है। इनमें से आपने उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। योग, प्रतियोग, काश, अधिकाश, किला, अधकिला, पुरातत्व, बदकिस्मत, आपने आगे जोड़ना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द लिखना है हमने। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है निर्माण। उपसर्ग क्या है? पू। मूल शब्द है बुद्धि। मूल शब्द है वेदना। मूल शब्द है एक।
प्रतियुष्मी उपसर्ग लगाया। मूल शब्द है उत्तर, मूल शब्द है मल। निम्न शब्दों में से किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, नीचे भी आपने ये बताना है। स्वयंवर में कौन सा, स्वयं प्लस वर, तोड़ के देखिए आगे वाला उपसर्ग हो जाएगा। निश्चल, शल मूल शब्द हो गया। स्वाधीन, आधीन, स्व उपसर्ग हो गया। उच्चारण, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर आपका उपसर्ग हो गया, राष्ट्रीय आपका मूल शब्द हो गया। अवगुण, ओ आपका उपसर्ग हो गया, गुण आपका मूल शब्द हो गया। अब विदेशी उपसर्ग, जिन्हें आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं, जो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों से आए हैं और इनका प्रयोग हिंदी में किया, जैसे हेडमास्टर, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल, वाइस अंग्रेजी के शब्द हैं, आपको एकदम से पता लग जाता है। चीफ मिनिस्टर, अब निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्गों को आपने अलग करना है। दुरुपयोग में उपयोग, प्रत्येक में एक, बेजोड़ में जोड़, संक्षिप्त में शिप्त, आकर्षण में आकर्षण, संपन्न,